हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम जानने वाले हैं लाइट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन का दूसरा नाम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइन कन्वेंशन है क्या, लाइट में इस टॉपिक का महत्व क्या है। तो साइन कन्वेंशन एक तरीका है जिससे हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन का पता चलता है। कहने का अर्थ है, साइन कन्वेंशन अगर नहीं दिया जाए तो हम यह ठीक से नहीं समझ सकते कि ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के लेफ्ट बन रहा है या राइट में बन रहा है, रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। तो साइन कन्वेंशन जनरली आपको पांच मिलते हैं, पांचों स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है। पहले इसको हम सब समझते हैं, फिर इसके बाद इसको याद करने का ट्रिक भी समझेंगे। तो सबसे पहले पहला जो साइन कन्वेंशन है वो ये है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कहने का मतलब सारा डिस्टेंस इस पोल से मेजर होगा। यहां पर मैंने दो मिरर बनाया हुआ है, एक कनकेव दूसरा कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, पहला कनकेव दूसरा कन्वेक्स। याद करने का तरीका क्या है, कनकेव में जो केव आता है ना, केव मतलब गुफा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर, और कनकेव अगर याद हो गया तो कन्वेक्स तो ऑटोमेटिक याद हो जाना है, दोनों को एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे, चाहे वो पोल के मिरर के लेफ्ट में हो या मिरर के राइट में हो। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका, तो डिस्टेंसेस आर मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। कहने का मतलब लाइट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट होता है, इस डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस डायरेक्शन के साथ कौन सा डायरेक्शन हमारा मिल रहा है, ये डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा, बहुत आसान है। तीसरा जो है, डिस्टेंसेस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। कहने का मतलब इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मतलब इधर का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। चौथा जो स्टेटमेंट है वो है, डिस्टेंसेस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस मेजर करेंगे अगर वो अपवर्ड है और परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वो पॉजिटिव होगा। याद करने का तरीका यहां आप देख रहे हैं, प्लस वाई एक्सिस। लास्ट है, डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड जो भी होंगे वो नेगेटिव होंगे, वो डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। ये तो हो गए आपके स्टेटमेंट के बारे में जानकारी। अब इसको याद कैसे करना है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। आपने ग्राफ बनाया होगा तो उसमें प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस के बारे में आपको याद होगा, प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, ऐसे ही हम लोग लिखते थे। तो इसमें याद करना बहुत आसान है, यहां आप एक कनकेव मिरर एक कन्वेक्स मिरर, कोई भी लेंस कोई भी मिरर आप यहां रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको याद कैसे किया जाए, इसको समझा कैसे जाए ताकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो, न्यूमेरिकल में आप मिस्टेक ना हो। साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर साइन कन्वेंशन आप गलत लेते हैं तो सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो याद करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। एक्सिस के बारे में आपको आइडिया होगा ही, एक्सिस के बारे में आप जानते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है वो उसको प्लस एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये माइनस एक्स एक्सिस, ये अपवर्ड वाला जो है वो प्लस वाई एक्सिस और डाउनवर्ड वाला माइनस वाई एक्सिस, जिसको आपने कई बार डैश के रूप में भी लिया होगा, पर ये मेरा तरीका है, मैंने इसे ऐसे ही याद किया था। अपवर्ड ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों पॉजिटिव होगा। समझना कैसे है, इन दोनों का डायरेक्शन देखिए प्लस वाई एक्सिस की ओर है, वहीं पर डाउनवर्ड के लिए इसका डायरेक्शन देखिए नेगेटिव, दोनों का सेम डायरेक्शन है।
सो यहां हम लोगों को समझना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के हमेशा लेफ्ट में होता है, हमेशा लेफ्ट में लेते हैं क्योंकि वो अपवर्ड है, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होगा. अब इमेज के बारे में समझते हैं. इमेज अगर उल्टा बनता है डाउनवर्ड बनता है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा. इमेज अगर सीधा बनता है इसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा. बहुत आसान है याद करना. यू हमेशा नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, इमेज अगर सीधा बने तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव में आएगा, उल्टा बने तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आएगा. अब इमेज डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं. इमेज अगर मिरर के आगे बने तो इमेज डिस्टेंस हम लोग भी से डिनोट करते हैं. इमेज डिस्टेंस भी से डिनोट होता है तो अगर लेफ्ट में बन रहा है, मिरर के आगे बन रहा है, तो भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. अगर इमेज मिरर के राइट में बनता है तो इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. बहुत ही आसान ट्रिक है. मिरर के लेफ्ट में जो भी कैलकुलेशन होगा वो माइनस एक्स एक्सिस में होने के कारण नेगेटिव होगा, और मिरर के राइट में जो भी कैलकुलेशन होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होने के कारण पॉजिटिव होगा. अपवर्ड जो भी कैलकुलेशन होगा वो प्लस वाई एक्सिस में एग्जिस्ट करने के कारण पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड जो भी कैलकुलेशन होगा वो माइनस वाई एक्सिस में होने के कारण नेगेटिव में होगा. ये जो ट्रिक है वो स्फेरिकल मिरर के साथ साथ प्लेन मिरर में भी लागू होता है, और मिरर के साथ साथ लेंस में भी लागू होता है. कहने का मतलब, इन दोनों मिरर के जगह में आप अगर लेंस रख दे तब भी सेम चीज ही लागू होगा. अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. भले ही इमेज फॉर्मेशन अलग अलग होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है. इमेज दो ही तरीके से बन सकता है, या तो सीधा बनेगा या तो उल्टा बनेगा. सीधा बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा, उल्टा बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा. बहुत ही सिंपल है. सो कैसा लगा ये वीडियो आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और भी अधिक जानकारी के लिए, और भी डिफरेंट टॉपिक्स के लिए आप कमेंट करें और हमारे चैनल संजीव सर फिजिक्स को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.